दीजिए, इससे पहले आप चैप्टर साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और आज नया चैप्टर औसत शुरू किया गया है, इसलिए आप सबसे पहले ये समझ लें कि औसत एवरेज AVERAGE एवरेज किसे कहते हैं। समान राशियों को आपस में जोड़कर राशियों की संख्या से भाग देने की क्रिया औसत कहलाती है। औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है। पुनः सुन लें, औसत क्या है। समान राशियों को आपस में जोड़कर राशियों की संख्या से भाग देने की क्रिया औसत कहलाती है। औसत बराबर आपका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अभी बिल्कुल ये साधारण सूत्र आपको मिलेंगे, जैसे जैसे नई नई वीडियो औसत पर बनती जाएगी वैसे वैसे आपको ट्रिक और फार्मूले अर्थात महत्वपूर्ण सूत्र मिलते जाएंगे और अच्छे अच्छे प्रश्न भी मिलेंगे जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। और यह भी मैं बता दूं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी लिखिए। और यह भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ बैंक, SSC, रेलवे, पुलिस, जैसा कि आपको ये लिखा गया है, तैयारी सिलेबस के अनुसार विधिवत कराई जाती है। अब आप देखिए ये प्रश्न है आपका 3, 6, 9, 5, 4, 7, 8 का औसत ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका सूत्र है औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब जितनी राशियां दी गई हैं उन सबको जोड़ लेंगे, अर्थात 3, 6, 9, 5, 4, 7, 8 और राशियों की संख्या गिन लेंगे कितनी राशियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बटा 7 इन सब का टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे, आपका 42 अर्थात 42 हुआ, बटा 7, 7 से डिवाइड कर देंगे 6, अर्थात 3, 6, 9, 5, 4, 7, 8 का औसत आपका 6 आ गया। दूसरा प्रश्न है इसी तरह से 5 रुपया प्रति केजी की दर से 8 केजी आलू कामा 4 रुपया प्रति केजी की दर से 6 केजी नमक और 20 रुपया प्रति केजी की दर से 4 केजी चीनी का औसत क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है औसत क्रय। सर्वप्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं विधिवत। ये बिल्कुल ही आज इस वीडियो में साधारण प्रश्न ही है जो कि बेस है, क्योंकि नए चैप्टर की शुरुआत है तो बेस से ही चला जाता है। इससे जैसे जैसे वीडियो में आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छे अच्छे फार्मूले, सूत्र और प्रश्न मिलते जाएंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ आप देखिए आपको औसत क्रय मूल्य निकालना है। 5 रुपया प्रति केजी की दर से 8 केजी आलू, अर्थात 1 केजी आलू का मूल्य 5 रुपया है तो 8 केजी आलू का मूल्य कितना होगा, ये लिखा गया है 5 × 8। इसी प्रकार 4 रुपया प्रति केजी की दर से 6 केजी नमक, 1 केजी नमक का दाम 4 रुपया है तो 6 केजी नमक का दाम 24 रुपया होगा और 20 रुपया प्रति केजी की दर से 4 केजी चीनी, यानी कि 1 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपया है तो 4 केजी चीनी का मूल्य 80 रुपया का औसत क्रय मूल्य क्या होगा। अब इस औसत क्रय मूल्य बराबर यही आपका फार्मूला सूत्र रहेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये 5 केजी यानी 5 रुपया प्रति केजी, 5 रुपया प्रति केजी की दर से 8 केजी आलू का मूल्य, अर्थात 5 × 8 धन 4 रुपया प्रति केजी की दर से 6 केजी नमक का मूल्य, अर्थात 4 × 6 प्लस 20 रुपया प्रति केजी की दर से 4 केजी चीनी का मूल्य, अर्थात 20 × 4 बटा
राशियों की संख्या, संख्या ये आलू 8 केजी है, नमक 6 केजी है और चीनी 4 केजी, इनका योगफल कर देंगे 8 प्लस 6 प्लस 4। अब 5 और 8 का गुणा कर देंगे, 8 केजी आलू का मूल्य निकल रहा है 8 बचे 40 प्लस 6 चौको 24 प्लस 20 चौको 80 बटा ये टोटल कर लेंगे 18। ऊपर अभी सबको जोड़ लेंगे 144 होगा, 144 बटा 18, 18 से इसको भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 18 बटे 144 यानी कि 8 रुपया औसत क्रय मूल्य आपका आ गया 8 रुपया। आप ध्यान देंगे पहले सवाल को विधिवत पढ़ लिया जाता है जैसा कि सवाल दिया गया है, इसके बाद सवाल को हम हल करते हैं। ये 8 रुपया जो आया है औसत क्रय मूल्य आया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट भी लिखें और शेयर भी करें। और यह भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ बैंक एसएससी रेलवे पुलिस टेट सीटेट कक्षा 9 10 11 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी की कक्षाएं चलाई जाती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की कक्षाएं जो चलाई जाती हैं वो सिलेबस के अनुसार रीजनिंग सामान्य अध्ययन मैथ अर्थात अर्थमेटिक जिस तरह उस प्रतियोगी परीक्षा का सिलेबस होता है उसी तरह से पढ़ाया जाता है। सिलेबस के अनुसार इंग्लिश हिंदी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब आप इस वीडियो को यदि पसंद हुई हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।